आज सरकार आम की कुंज में विराजमान होकर दर्शन दे रहे हैं। राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। आज के ब्लॉग में आप सबन को बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब हमारी श्री जी की कृपा से बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी श्री जी की कृपा से बहुत ही अच्छा हूँ। तो भैया, आज का ब्लॉग बहुत ही खास बनने वाला है और बहुत ही अच्छा बनने वाला और काफ़ी स्पेशल बनने वाला है, क्योंकि आज हम दर्शन करेंगे बहुत ही स्पेशल कुंज के दिव्य दर्शन करेंगे। तो मैं बिना टाइम बिताए हुए आपको लेके चल रहा हूँ श्री राधा वल्लभ लाल जी के दिव्य दर्शन कराए हुए को। तो मैं आपको लेके आ गया हूँ श्री राधा वल्लभ लाल जी के दिव्य मंदिर की तरफ में, यानी मंदिर पे मेन गेट की तरफ में मैं आपको लेके आ गया हूँ। हम लोग हैं अभी राधा वल्लभ लाल जी की देहरी पे, और देहरी पार करके हम लोग दर्शन करेंगे आज बहुत ही विशेष, क्योंकि अभी गर्मी बहुत तगड़ी पड़ रही है श्री धाम वृंदावन में। तो गर्मी से हमारे ठाकुर जी को बचावे के काजे अलग अलग कुंज बनाई जा रही हैं। उन कुंजन में विराजमान होके हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान होके बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य हम सबन को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। और मंदिर प्रांगण में ही बहुत ही सुगंधित फुब्बारे चलाए जा रहे हैं, क्योंकि भगवान को गर्मी से बचावे के काजे जी सब सुविधाएं करी जा रही हैं कि भगवान को गर्मी ना लगे। तो आप देख रहे हो कि पूरे मंदिर प्रांगण में चमेली और मोगरा के फूलन से भव्य फूल बंगला बन रहे हैं। और आज के दर्शन बहुत ही खास हैं, क्योंकि आज हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी आम के कुंज में विराजमान होकर हम सबन को बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य दर्शन दे रहे हैं। और आप देख पा रहे हो कि आज सरकार चारों तरफ से आमन के बीच में विराजमान होके हम सबन को दर्शन दे रहे हैं। और श्री राधा वल्लभ लाल जी आज आप दर्शन कर ही पा रहे होंगे, देख ही पा रहे होंगे कि फूलन की पोशाक धारण किए हुए हैं। फूल को ही मुकुट है, फूल की पोशाक है, फूल को ही पूरा श्रृंगार है। आप देख पा रहे हो और दर्शन कर भी पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर सरकार के आज दर्शन है जो आप कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर में अलग अलग कुंजन में विराजमान होके भगवान हमें दर्शन देंगे श्री राधा वल्लभ लाल जी। आप देख पा रहे होंगे कि आज फूल बंगला में विराजमान होके भी दर्शन दे रहे हैं, और आम के फूल बंगला में भी विराजमान होके दिव्य दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि अभी यह समय मैं आपको बता दूं, हमारे श्री धाम वृंदावन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बाहर निकलने में भी डर लगे, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और भीड़ तो आपको पता ही है कि हमारे श्री धाम वृंदावन में भीड़ को तो कोई ठिकाना है ही ना है। आप कोई भी समय पर आ जाओ, भीड़ भी रहे, लेकिन भीड़ के साथ साथ में गर्मी भी यह समय बहुत पड़ रही है। आप देख रहे हो कि आज श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर में गर्मी से बचने के काजे भगवान को नए नए और सुगंधित फूल और भगवान को शीतल पदार्थ और शीतल पेय जल को भी भोग भगवान को लगाया जा रहे हैं। आप देख पा रहे हो आज अमृत को भी भोग प्रसाद श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में बट रहे हो है, और बहुत ही आनंद यहाँ समय आ रहे हो है। तो आपको मैं बता दूं, यदि आप लोग श्री धाम वृंदावन में अभी यह समय आने को मन बना रहे हो, तो अभी यह समय श्री धाम वृंदावन में आप लोग ना आओ, क्योंकि गर्मी बहुत है। कछु दिन बाद आप लोग वृंदावन में आइयो, और मैं आपको वीडियो के माध्यम से या फिर ब्लॉग के माध्यम से लाइव आके मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि हमारे श्री धाम वृंदावन में गर्मी कम है गई है, आप लोग आ जाओ तो मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको आज के दर्शन अच्छे लगे हों तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करियो, और वीडियो को अपने दोस्तों के संग में शेयर करना ना भूलियो। आज के बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशेष हमने दर्शन करे, तो भैया मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में। जब तक के काजे राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। आप लोग दर्शन करो श्री राधा वल्लभ लाल जी के आम के फूल बंगला में विराजे हुए, सखियन के संग में विराजे हुए हम सबन को आज विशेष और आनंददायक दर्शन हमें दे रहे हैं।